Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. So in our previous video, we have studied about the meristematic tissue, and in this video, we will gonna study about the permanent tissue. तो देखो मेरे बच्चों, when tissue grow and divide, they are known as meristematic tissue and they finally mature and divide no more, then they become permanent tissue. मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था स्टूडेंट कि meristematic tissue ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है मेरिस्टोस, जिसका मतलब ही होता है डिवाइडेड. तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू का बस फंक्शन एक ही है स्टूडेंट, कि इन्हें बस क्रेजी की तरह डिवाइड होते जाना है, बस प्लांट को ग्रो कर देना है, है ना. प्लांट की लंबाई बढ़ेगी एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू. ओके, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू एक सर्टेन पीरियड के बाद डिवाइड होना बंद हो जाते हैं. तो अब इनमें मैच्योरिटी अटेंड हो जाती है. हम कहते हैं अब ये टिश्यू मैच्योर हो गया है भाई साहब, अब इनकी एक अपनी स्पेसिफिक फंक्शन होगी, ये प्लांट को बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे अपार्ट फ्रॉम जस्ट ग्रोथ. तो वो टिश्यू फिर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है. इसलिए हम परमानेंट टिश्यू को ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, परमानेंट टिश्यू आर मैच्योर्ड मेरिस्टमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो गया, मतलब ये अब डिवाइड नहीं होंगे, तो ये परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे. सी, परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड टिश्यू है ना, मेरिस्टमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू. अब ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो, लीडिंग टू मैच्योरेशन ऑफ प्लांट, मतलब अब ये मैच्योर हो गए हैं, प्लांट को स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे. मेरिस्टमेटिक टिश्यू हमारा क्या करता था स्टूडेंट, ये कोई फंक्शन प्रोवाइड करता ही नहीं था, ये तो बस प्लांट को सिर्फ पागलों की तरह ग्रो करना जानता है, है ना. बट ऐसा नहीं है, परमानेंट टिश्यू में बहुत सारे फंक्शन होंगे, प्लांट के स्टोरेज होंगे, फोटोसिंथेसिस होंगे, सिक्रीशंस होंगे, बहुत सारे होंगे. So you can also say like this, permanent tissue are mature cell which are incapable of cell division. ये सब का मतलब एक है student, बस अलग अलग sentence में frame है. तो permanent tissue एक mature cell है जिसके पास division होने की क्षमता ख़त्म हो गई है. तो student अगर हम flow chart में बात करें, so you can see this, this is the meristematic tissue, है ना, ये further grow हुआ, फिर cell differentiation हुए, ये मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया परमानेंट टिश्यू में. अब परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द अदर वन इज कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू, भाई साहब ये नाम ही बोल रहे हैं, हम तो भैया सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मतलब हम बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होंगे हमारे. अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में थ्री कैटेगरी स्टूडेंट, फर्स्ट इज पेरेन्केमा, सेकेंड इज कोलेनकेमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकेमा. एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट जाइलम, सेकेंड फ्लो. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट हमारा परमानेंट टिश्यू के डेफिनेशन, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड पेरेनकेमा. एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल गोना स्टडी अबाउट द कोलेनकेमा एंड स्क्लेरेनकेमा. तो देखो क्लास 9 के सिलेबस में आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो टाइप है पेरेनकाइमा, इनके फर्दर टू टाइप्स है, मतलब स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमा है, पेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पेरेनकाइमा बोल दो, तो आप इसे एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा कह सकते हैं. तो स्टूडेंट इस वीडियो में आप पेरेनकाइमा के बारे में तो पढ़ोगे ही, आप प्लस एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा के बारे में भी स्टडी करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 सिलेबस ने मेंशन है. एक छोटा व्यू देख लो, पेरेनकाइमा को हम फिलर टिश्यू भी कहते हैं, पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं, फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, डोंट वरी. स्क्लेरेनकाइमा को हम प्रोटेक्टेड टिश्यू कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को हम सपोर्टर टिश्यू कहते हैं. अगर वन वर्ड में डिवाइड अगर डिफाइन करना हो तो आप पेरेनकाइमा को फिलर टिश्यू कह सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को सपोर्टर टिश्यू कह सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को प्रोटेक्टेड टिश्यू कह सकते हैं. तो चलिए सिंपल परमानेंट टिश्यू को जान लें. सी, टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल व्हिच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, मतलब भैया वैसा सेल जिसके स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन सिमिलर, वैसे ग्रुप ऑफ सेल जिनके स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन सिमिलर हो, हम उसे कह देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इनका नाम ही वो बड़ा सिंपल है ना, उसके बेस पर ही इनका नाम रखा गया है भाई साहब, सिंपल परमानेंट टिश्यू. सी, इट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल,
एक ही टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं भाई साहब, सिंपल परमानेंट टिश्यू, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कहानी कुछ अलग है. सी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल, है ना, इसलिए इनका नाम कॉम्प्लेक्स पड़ा है. और सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल टाइप ऑफ सेल मतलब एक टाइप ऑफ सेल के बने हैं, जैसे पेरेन्खिमा पेरेन्खिमेटस सेल से बने हैं, कोलेन्खिमा कोलेन्खिमेटस सेल से बने हैं, स्कलेन्खिमा स्कलेन्खिमेटस सेल से बने हैं. मतलब ये जो टिश्यू होंगे पेरेन्खिमा के, इनमें जो भी सेल प्रेजेंट होंगे वो सब पेरेन्खिमेटस सेल ही प्रेजेंट होंगे, मतलब वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, इसलिए इनका नाम सिंपल परमानेंट टिश्यू है. तो चलिए परमानेंट टिश्यू में स्टूडेंट हम पेरेन्खिमा के बारे में जाने. सी, पेरेन्खिमा टिश्यू, पारा मतलब होता है बिसाइड, ओके, इनखिमा मतलब इन फीलिंग, तो ये नाम ही बता रहा है बिसाइड इन फीलिंग, मतलब इनके जो सेल होंगे ये बहुत भरे होंगे, बहुत इनमें फीलिंग्स होंगी. फीलिंग्स वो मत समझ लेना, प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मतलब इनमें उतनी खाली जगह नहीं होगी, स्पेसेस बहुत कम होंगे. कैसे होंगे वीडियो में डिस्कस करूँगी, डोंट वरी. सी, पेरेन्खिमा टिश्यू को आप लिविंग टिश्यू भी कह सकते हैं, इन्हें पैकिंग टिश्यू भी कह सकते हैं, इन्हें फीलिंग टिश्यू भी कह सकते हैं, इन्हें फूड स्टोरेज टिश्यू भी कह सकते हैं. अब नाम देखो, फूड स्टोरेज टिश्यू, तो ज़रा सेल चैप्टर पर ध्यान देना स्टूडेंट. हमने अपने लास्ट वीडियो में, नॉट इन लास्ट वीडियो बट इन आवर प्रीवियस वीडियो, हमने ये स्टडी किया था. सेल चैप्टर में एक सेल ऑर्गेनल था जिसका नाम था भाई साहब वैक्यूल. वैक्यूल का फंक्शन क्या था, वो स्टोरेज करते थे प्लांट में, है ना, वो वाटर स्टोर करते थे, आयन स्टोर करते थे, मिनरल्स स्टोर करते थे, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते थे, है ना. तो जब पेरेन्खिमा टिश्यू का नाम ही है फूड स्टोरेज टिश्यू, तो इससे साफ जाहिर होता है स्टोरेज का फंक्शन दिया गया है वैक्यूल को, तो इनमें वैक्यूल होंगे, और वैक्यूल होंगे तो लार्ज सेंट्रल होंगे. तो एक नाम से तो ये फंडा क्लियर हो गया, ठीक है. अब देखो, लिविंग टिश्यू है तो ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल इन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे अबंडेंट क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा मात्रा में पेरेन्खिमा टिश्यू पाया जाता है. सी, इट इज़ मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. इन सम केसेस व्हेन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्खिमा. चिल्ड्रेन प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन कोलेन्खिमा एंड क्लोरेन्खिमा. देखो, कोलेन्खिमा एक अलग टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, है ना, लेकिन जब पेरेन्खिमा में क्लोरोफिल का प्रेजेंस हो तो उस पेरेन्खिमा को हम कहते हैं क्लोरेन्खिमा. अब देखो भाई साहब, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो होनी ही है ना, फोटोसिंथेसिस होगी. तो ऐसे इसका फंक्शन, इसके मीनिंग से इसका फंक्शन ड्राइव हुआ. नाउ लुक हियर, इसे पैकिंग टिश्यू फिलिंग टिश्यू क्यों कहते हैं. सी, ये पेरेन्खिमा टिश्यू है ना, ये पेरेन्खिमेटस सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है. तो इनमें जो इंटर सेलुलर स्पेस है स्टूडेंट, ये जो आप सेल देख रहे हो, वन सेल और दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इनके बीच जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस. तो इनमें जो स्पेस है ये बिल्कुल क्लोजली पैक होती है स्टूडेंट, है ना, या तो क्लोजली पैक होगी या तो ये इंटर सेलुलर स्पेस होगी ही नहीं, मतलब एक पेरेन्खिमेटस सेल दूसरे पेरेन्खिमेटस सेल से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होगा, बिल्कुल चिपका होगा, बिल्कुल सटा होगा, और एक सेल से दूसरे सेल के की जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल सटे होंगे, मतलब कोई यहाँ पर खाली स्पेस नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, ओके. ऐसा होता है पेरेन्खिमा टिश्यू में. देखो, दो वर्ड होता है स्टूडेंट, एक होता है इंटर सेलुलर स्पेस, एक होता है इंट्रा सेलुलर स्पेस. कन्फ्यूज मत होना, इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब होता है स्पेस लोकेटेड बिटवीन टू नियर बाय और नेबरिंग सेल. नियर बाय का मतलब ही होता है नेबरिंग, हमारे पास में. तो देख लो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो इनके बीच जो स्पेस खाली है उसे हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस. और एक वर्ड है स्टूडेंट, इंट्रा सेलुलर स्पेस. ये स्पेस मतलब स्पेस लोकेटेड इनसाइड और विद इन द सेल, मतलब ये सेल के अंदर जो स्पेस खाली है ना, इसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस. तो पेरेन्खिमा टिश्यू में क्या है कि इनके जो इंटर सेलुलर स्पेस है, मतलब दोनों सेल
दो सेल बोलो, तीन सेल बोलो, चार सेल बोलो, इनके बीच जो स्पेस है ये बिल्कुल बहुत मिनिमम होंगे या तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये भाई साहब फिलर टिश्यू है। क्योंकि ये करते क्या है कि ये स्पेस फिल करते हैं, इट फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू एंड मेंटेन द शेप। ऐसे इनका शेप मेंटेन रहता है, इसलिए हम इसे फिलर टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ये बिल्कुल बहुत बहुत भरी रहती है, स्पेस बिल्कुल नहीं होता, या तो क्लोजली पैक होंगे या तो कोई स्पेस नहीं होगा इनमें। ऐसा क्यों? ऐसा ये अपना शेप मेंटेन करने के लिए करते हैं। सी देखो, पैरेन्काइमा टिश्यू में देख लो, इनके सेल में ये वैक्यूल, आप देख रहे हो ना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। पहले ही बता चुकी हूँ, इसे हम स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि वैक्यूल का तो फंक्शन ही होता है स्टोर करना, तो ये स्टोर करेंगे तो इनके वैक्यूल लार्ज होंगे। न्यूक्लियस होंगे भैया, लेकिन बहुत छोटे होंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, डिवाइड करना मेनली, तो इन्हें तो डिवाइड करना है नहीं। डिवीजन कहाँ होता था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस क्या होता था, सेंट्रल लार्ज बिग न्यूक्लियस होता था, और वैक्यूल होता ही नहीं था, क्योंकि वैक्यूल का कोई वहाँ काम ही नहीं था भाई साहब, स्टोरेज का कोई काम ही नहीं था। लेकिन पैरेन्काइमा में क्या होता है, इनमें स्टोरेज की कैपेबिलिटी है, ये स्टोर करते हैं वाटर, इसलिए इनके वैक्यूल लार्ज होंगे, और यहाँ डिवीजन का कोई काम ही नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस तो होंगे, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटी तो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा ना, बट डिवीजन यहाँ है नहीं, इसलिए न्यूक्लियस का साइज बिल्कुल स्मॉल होगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सही, इट फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट। अब ये पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब? ये लीव्स में पाए जाते हैं, है ना, याद है मैंने क्या बोला था? अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हम उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगी मेरे बच्चे? लीव्स में होगी, है ना। ये फ्लावर में पाए जाते हैं, ये सीड्स में पाए जाते हैं, ये रूट्स में पाए जाते हैं, ये स्टेम में भी पाए जाते हैं, और ये फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। तो पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं? ये लीव्स में, फ्लावर में, सीड में, रूट में, स्टेम में एंड फ्रूट्स में। तो ये सारे स्टूडेंट मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ पैरेन्काइमा टिश्यू के। देखो, पैरेन्काइमा टिश्यू में सेल वॉल होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन इनके सेल वॉल थिन होंगे। अब देखो भैया, बहुत बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, ये थिन सेल वॉल, थिक सेल वॉल क्या है? मैम, तो डोंट गेट वरी। देखो, वॉल अगर जितना थिन होगा तो प्लांट की टिश्यू उतनी अलाइव होगी, उतनी जिंदा होगी, है ना। और वॉल, सेल वॉल का टिश्यू जितना चौड़ा, जितना मोटा होगा, जितना थिक होगा, उतना वो डेड होगी। और डेड टिश्यू का तो भैया एक ही फंक्शन है, बस प्रोटेक्शन देना, मैकेनिकल सपोर्ट करना, ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। तो पैरेन्काइमा के सेल वॉल कैसे होते हैं स्टूडेंट? थिन होते हैं, है ना। सी, सेल वॉल मोर थिन, अगर सेल वॉल ज़्यादा थिन होगा तो टिश्यू विल बी मोर लिविंग, ठीक है। देखो, वैक्यूल होंगे, बता चुकी हूँ, लार्ज होंगे, सेंट्रल, वाई? बिकॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वाटर। इनके जो सेल के जो शेप है वो आइसोडायमेट्रिक होंगे। देखो, आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है भैया? आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़े होंगे अपने क्लास 9th में या क्लास 6 में भी पढ़े होंगे मैथ्स में। तो आइसो का मतलब ही होता है इक्वल, इक्वल, ओके। एंड डायमेट्रिक, डायमेट्रिक जान रहे हो, डायमीटर चौड़ाई, है ना। तो इनकी जो थिकनेस होगी, चौड़ाई होगी, वो बिल्कुल इक्वल होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि एक जगह पर मोटे होंगे, एक जगह पतले होंगे, ऐसा नहीं होगा। इनके शेप स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं। अब देखो, सेल वॉल जो प्रेजेंट रहेगा वो सेलुलोज का बना रहेगा, साइटोप्लाज्म डेंस होंगे, न्यूक्लियस स्मॉल होंगे, रीज़न बता चुकी हूँ, क्योंकि डिवीजन का यहाँ कोई सीन है नहीं, इसलिए न्यूक्लियस स्मॉल होंगे। हालांकि न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटी तो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है भाई साहब। हमने अपने सेल चैप्टर में ये स्टडी किया था, ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल कौन थे? न्यूक्लियस थे। तो न्यूक्लियस तो होंगे ही, बट बहुत स्मॉल होंगे। अब देख लो, इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंटेन होंगे, हाँ भाई साहब होंगे क्लोरोप्लास्ट। हमने क्या स्टडी किया था? अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हम उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगी? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगी, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाती है, मेसोफिल्स लीव्स के जोन में, और ल्यूकोप्लास्ट भी पाया जाएगी। अब देख लो भाई साहब, एक चीज़ और क्लियर होने वाली है। ल्यूकोप्लास्ट, हमने अपने सेल चैप्टर में क्या स्टडी किया था? प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, है ना।
तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल होंगे तो वैसा फोटोसिंथेसिस होंगे। तो एक चीज तो समझ में आ गई, ये पेरेंकाइमा फोटोसिंथेसिस कराएगा, वैक्यूल भी इनके पास है, बड़ा है तो ये इनकी स्टोरेज भी तो होगी भाई साहब। अब ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या था, ये स्टोरेज करते थे, है ना, ये फैट स्टोर करेंगे, स्टार्च स्टोर करेंगे, प्रोटीन स्टोर करेंगे, ये ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है। तो सो सिंपल, ये स्टोर करते हैं, इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट होती ही नहीं है, तो ये बस भाई साहब स्टोरेज का काम करते हैं। सी पैकिंग टिश्यू, फिलर टिश्यू जो बोल दो आप, फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू एंड मेंटेन द शेप। नाउ सी टू अदर स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंकाइमा कहो, या आप पेरेंकाइमा का मॉडिफिकेशन क्या हो, या टाइप्स ऑफ पेरेंकाइमा को देखो। क्लोरेनकाइमा, इन सम प्लांट पेरेंकाइमा इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन क्लोरेनकाइमा। देख लो, क्लोरेनकाइमा ग्रीन कलर का होगा, क्लोरो का मतलब ही होता है भाई साहब ग्रीन कलर, मैंने सेल चैप्टर में डिस्कस किया था। अब एक आ गया एरेनकाइमा, वेरी इंपॉर्टेंट एरेनकाइमा। देखो इनमें क्या होता है, इट इज अनदर टाइप ऑफ पेरेंकाइमा टिश्यू फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक मतलब वैसे प्लांट, हाइड्रोफाइट्स पढ़े होंगे ना, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट, मतलब वैसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, है ना। सी दीज सेल्स हैव लार्ज एयर स्पेस इन देम विच प्रोवाइड बॉयंसी टू द प्लांट टू कीप देम फ्लोट। हमने क्या पढ़ा कि पेरेंकाइमा एक फिलर टिश्यू है, है ना, ये बिल्कुल भरा भरा रहता है, इनके तो इंटरसेलुलर स्पेस या तो बहुत कम होंगे या तो होंगे ही नहीं, है ना, और ये टिश्यू को एक एक शेप प्रोवाइड करेगा, शेप मेंटेन करेगा। लेकिन एरेनकाइमा में क्या होता है कि इनके अंदर की जो एयर कैविटी होती है, इनके अंदर जो एयर कैविटी होती है वो बहुत लार्ज होती है स्टूडेंट। अगर ये लार्ज नहीं होगी, अगर ये खाली नहीं होगी तो इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, एयर का मूवमेंट अंदर बाहर नहीं होगा, जिसके कारण एरेनकाइमा टिश्यू, जिसके कारण आपके एक्वेटिक प्लांट हैं वो पानी में तैर नहीं सकते, फ्लोट नहीं कर सकते, उनको बायंसी प्रोवाइड नहीं मिल सकती है। जैसे आपने लोटस देखा होगा, वाटर लिली देखा होगा, कैसे लेक में तैरते रहते हैं ना, तो उनके अंदर एरेनकाइमा मौजूद होता है। इनके टिश्यू बहुत स्पंजी टिश्यू दैट कंटेन लार्ज एयर स्पेस। आपने स्पंज देखा होगा ना, स्पंज में कैसा रहता है, बिल्कुल एयर कैविटीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती ताकि एयर की इन एंड आउट मूवमेंट हो, है ना। तो एरेनकाइमा में बस सिंपल यही फंडा है स्टूडेंट, जिसके कारण प्लांट को बायोंसी मिलती है, जिसके कारण प्लांट फ्लोट करते हैं, और क्या होती है, इस एयर कैविटी के कारण गैसियस एक्सचेंज होता है, है ना। एक मेजर डिफरेंस आप देख लो पेरेंकाइमा एंड एरेनकाइमा में क्या होता है कि पेरेंकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते थे, अगर होंगे भी तो बहुत क्लोजली पैक, बिल्कुल चिपके होंगे भाई साहब, क्योंकि ये फिलर टिश्यू है, ये जगह छोड़ेगा ही नहीं खाली एक सेल से दूसरे सेल में। लेकिन एरेनकाइमा में क्या है कि इनके जो पैकेजिंग होती है स्टूडेंट मेरे लाल, यहाँ देख लो, ये जो दो सेल है ना, इनके जो इंटरसेलुलर स्पेस हैं ये बहुत बड़े बड़े होंगे, मतलब ये स्पेस इनकी बहुत बड़ी होगी, एयर कैविटी होगी जिनके कारण ये फ्लोट करेंगे, जिनके कारण गैसेस एक्सचेंज होंगे। इसलिए एरेनकाइमा हैज़ लूजली पैक्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ये दो मेजर डिफरेंस है पेरेंकाइमा एंड एरेनकाइमा में, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे ऐसे चीज़ें क्लियर होंगी। बस बुक खोलिए और रट्टाफिकेशन बस रट लिए, फीचर्स ऐसे कभी पल्ले नहीं पड़ेगा, बस एग्ज़ाम तक याद रखोगे, पता चला फाइनल एग्ज़ाम में फिर से सबको रिवीजन करना पड़ रहा है। सो प्लांट बिकम बॉयंट्स दस हेल्प्स टू फ्लो, फैसिलेट गैसेस एक्सचेंज ऑल्सो, वाटर लिली लोटस फॉन्ड इन हाइड्रोफाइट्स, इट फॉन्ड इन हाइड्रोफाइट्स कौन, एरेनकाइमा, इट हैज़ लूजली पैक्ड इंटरसेलुलर स्पेस। सी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कोलेनकाइमा, नॉट क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या था, पेरेंकाइमा का टाइप था, है ना, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बाद हम स्केलेनकाइमा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये तीनों टिश्यू के डिफरेंसेस देखेंगे, फिर प्लांट, फिर परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के डिफरेंसेस देखेंगे। ये सब की अलग अलग से वीडियो होगी, डोंट वरी। इतनी चीज़ें जानने के बाद स्टूडेंट अब फंक्शन समझ लें, फोटोसिंथेसिस करेगा क्लोरोप्लास्ट, कौन करेगा, क्लोरेनकाइमा, सिक्रेशन गम फिस्ट मटेरियल
प्लांट टिश्यू के स्टोरेज करेंगे क्योंकि इनके पास लिकोप्लास्ट है, वैक्यूल है, फैट स्टोर करेंगे, स्टार्च स्टोर करेंगे, प्रोटीन स्टोर करेंगे। अब देखो ये ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अक्रॉस थ्रू द सेल और सेल वॉल ऑफ पीस ए परमानेंट टिश्यू। ओके, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।